गुरु प्यार वालेओ, अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने फिर मेहरामत कीती है। असी हर साल दी तरह इस साल भी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पुरब मनाउंदे होए उन्हां विच्चों किसे एक बाणी दे दर्शन करन दा जतन कर रहे हाँ, जो मेरे मालक जी ने सबब बनाया है वह है सद बाणी दी विचार असी आउण वाले दिनां विच करनी है। मालक जी रहमत करन, इस बाणी विच दर्ज जो गुरमत सिद्धांत हन उन्हां नूं असी चंगी तरह समझ सकीए, जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी गुरु साहिब जी दी सिफत सलाह है इस बाणी विच उस दे नाल सांझ पा सकीए। सतगुरु जी सारिआं ते रहमत करन ते आप ही साडे सारिआं कोलों इह सेवा लै लैण जी। पहलां दी तरह बीबा जी पाठ करनगे, एक पंक्ति का उचारण ये करनगे, फिर उस पंक्ति का उचारण आप जी ने भी करना है। रिकॉर्डिंग चल रही है, जे तुसी उचारण नहीं करोगे तां इहदे विच आवाज़ नहीं आएगी, ओ खाली थां रह जाएगा। इस करके आप जी ने भरपूर आवाज़ दे विच साथ देना है जी, ताकि आप जी की आवाज़ भी इहदे विच आ सके ते ओ रस जिहड़ा है बनिया रह सके जी। आओ बाणी दे नाल अपनियां बिरतियां नूं जोड़ के प्रभु की भगती विच जुड़न दा जतन करिए जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सतगुर प्रसाद राम कली सद, राम कली सद जगदाता सोए भगत वचन तहलोए जियो, जगदाता सोए भगत वचल तहलोए जियो, गुरु शब्द समावे अवर न जाने कोए जियो, गुरु शब्द समावे अवर न जाने कोए जियो, अवरो न जाने शब्द गुर के एक नाम त्यावहे, अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे, प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे, प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे, आया हकारा चलण वारा हर राम नाम समाया, आया हकारा चलन हारा हर राम नाम समाया, जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया, जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया। गुरु प्यार वालेओ, जिस बाणी दा पाठ असी सारिआं ने श्रवण कीता है, धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 923 पन्ने दे उत्ते इह सुभायमान है। इस बाणी दा नाम है सद। सद शब्द धन गुरु ग्रंथ साहिब विच जदों इस रूप विच आउंदा है दद्दे नूं औंकण दे नाल, तां उहदा अर्थ है आवाज़। अज कल साडे कोल साधन हैगे ने, मोबाइल दे राही असी गुरबाणी सर्चर ऐप दे राही सद शब्द लिख के सर्च कर सकते हैं कि धन गुरु ग्रंथ साहिब विच किन्नी वारी आया, उन्हां पंक्तियां दे असी दर्शन कर सकते हाँ। जदों इह दद्दे नूं औंकण दे नाल आउंदा उहदा अर्थ है आवाज़ सद्दा। ददे नूं औंकड़ तो रहत भी आउंदा है, असीं रोज़ पढ़दे हाँ केत्यां दुख भूख सद मार, उत्थें सद दा अर्थ है हमेशा सदा ही। सो जे असीं इस दे रूप नूं नहीं देखांगे सानूं इहदे अर्थ की समझ नहीं लगेगी। ददे नूं जी औंकड़ लगा दित्ती गई
ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਦਾ। ਜੇ ਦੱਦੇ ਦੀ ਔਂਕੜ ਹਟ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸੱਦ ਵਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੌ ਵਾਰੀ ਭਾਵ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲਿਖਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੱਦ, ਸੱਦਾ, ਆਵਾਜ਼। ਭਲਾ ਕਿਹਦਾ ਸੱਦਾ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਏ, ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਂਝ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਦ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਰਾਮਕਲੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਸੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮਕਲੀ ਸੱਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਕਸਰ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, 1 ਵਜੇ, 2 ਵਜੇ, 12 ਵਜੇ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਮਕਲੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭੋਗ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦ ਬਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕਰਨੀ ਉਹ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੰਗਲ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਵੀ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਵੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਦੀ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ। ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਆ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਧਰਮ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜੈਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਈਸਾਈ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਜਲ ਨੂੰ ਆਬ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਨੀਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀ ਲਵੇ, ਜਲ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਬ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
पी लईए सही। असी धार्मिक ग्रंथ पढ़ते जरूर हाँ पर वह अपने अंदर वसाते नहीं है, जिस करके साढ़े अंदरों धर्म के झलकारे नहीं पेंदे। आओ इस शब्द नूं फिर समझिए, एक मालक एक है, सारियां दा मालक इक्को ही है, उहदे वर्गा होर दूजा कोई नहीं। मैं फिर दोहराउना, उहदे वर्गा दूजा होर कोई नहीं। इस करके ये गल भी कहनी बंद कर दी, आपां सारे रब्बां नूं मनदे हां, रब ते है ही एक। सारे रब्बां दा की मतलब होया, असीं फिर भुलेखा खाने हां। फिर मेरे मालिक ने गल की, रहिंदा कित्थे आ, एक ओंकार तीन अखरां तो बनिया। कार दा अर्थ सारिआं विच है, तुहाडे विच, मेरे विच, गवांडियां विच, दूजे मुल्क दे लोकां विच, पशुआं विच, पंछियां विच, सारिआं विच ते उही है। हुण धर्म नूं समझणा तां एवें सी, सारिआं विच रब वेख के सारिआं दी संभाल करनी सी, सारिआं नाल ही प्यार करना सी। पर मैनूं कह लैण देणा, अज इक्को धर्म दे लोक वख वख धड़िआं च वंडे गए। दूजिआं दी गल ही छड्डीए, इक्को धर्म दे लोक वख वख हिस्सिआं विच वंडे गए ते इक दूजे लड़ाई झगड़े कर रहे ने। पढ़दे सारे ही इक्को ओंकार ने जे सिख धर्म नाल संबंधित ने। खाली पढ़ीए ना, इहनूं समझीए, मेरा मालिक सारिआं विच व्यापक है। इस करके असीं किसे दे वैरी नहीं। सगल संग हम को बन आई, साडे लई ते कोई भी बैरी नहीं, कोई भी बेगाना नहीं। वो ताही होएगा जे इस नूं समझांगे, इस नूं समझांगे सारिआं दा फिर साथ देवांगे, सारिआं दे लई असीं मदद दे लई खड़े हो जावांगे। बस चेते रखना, सिख दा किरदार जदों भाई कन्हैया जी वर्गा हो जाएगा ना, समझ लैना उसने एक ओंकार नूं समझ लिया। सत उहदी हस्ती हमेशा वास्ते कायम है, साडी नहीं है, असीं जाने ही जाना है, अज नहीं तो कल टुर जावांगे। पर अकाल पुरख वाहिगुरू हमेशा कायम रहण वाला है। जे मिलना होवे, जे समझना होवे, जे जानना होवे इन्हां दे बारे, ते फिर तरीका इक्को ही है, गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा दे नाल मिलदा है। हुण गुरु की कृपा कदों होएगी, जदों असीं गुरु दे कहे तो उल्ट चलांगे, तां कि जदों गुरु की गल नूं समझ के असीं जीवन बतीत करांगे, तां क्योंकि मिलना तो गुरु की कृपा नाल है ना, ते गुरु की कृपा दे पात्र बनन दा जतन करिए। इस करके गुरु की बाणी नूं, गुरु के शब्द नूं समझिए, सुनीए, विचारीए, ते उहदे अनुसार अपना जीवन भी बतीत करिए जी। मेरे मालिक मंगल करके फिर अगे रामकली राग का नाम ते सद बाणी का नाम असी विचार कीती है। आओ हुण बाणी दे विचले भाव नूं समझण दा जतन करिए। पावन पंक्ति है, जग दाता सोए, भगत वछल तेह लोए जियो। जिहड़े ये बचन असी पढ़ रहे हां ना, इहदे विच्चों एक प्रश्न का जवाब मिलता है। धन गुरु अमरदास साहब जी जां गुरु जी किस दे उपाशक सन? बहुत महत्वपूर्ण है, असी भी उसे दे उपाशक बनना है। अज मैनू कह लैण देना, अज असी यही गल भुल गए कि असी उपासना की लिए करनी है, पूजा अकाल की। किसी वेले साडे घरां च गल चलदी सी, पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का, अज असी भुल गए हां। इहो कारण है कि साडे घर विच उपासना कईआं दी होण लग पई, कई देवी देवते, कई पीर पैगंबर, कई वहम भरम पखंड, कई प्रकार दीआं रौह रीतियां साडे घरां विच आ गईआं। धन गुरु अमरदास साहिब जी किहदे उपाशक सन? इह पावन बचन सानूं दसदे हन किहदे, जग दाता सोए, जिहड़ा जगत विच सारिआं नूं दाता देण वाला है, सारिआं नूं। सतगुर दे बचन ने
ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ 50-100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਤਾ ਕਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਧ ਜੇਵੜ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਧ ਸਭਸੈ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਖੰਡੀ ਵਰਭੰਡੀ ਪਾਤਾਲੀ ਪੁਰੀ ਸਭ ਲੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾ, ਐਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾਤਾਰ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਬੈਠਾ? ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਦਾਤਾਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਈ, ਤੁਧ ਸਭਸੈ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਨਾ 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 ਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਮੰਗ ਲਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਵੇ ਹੀ ਨਾ? ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵੇ ਹੀ ਨਾ? ਤੇ ਰੱਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਲਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਗਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ 200 ਸਾਲ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੰਭ ਹੈ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਰ ਡੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ? ਤੂੰ ਸਭਸੈ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਖੰਡੀ ਵਰਭੰਡੀ ਪਾਤਾਲੀ ਪੂਰੀ ਸਭ ਲੋਈ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਭਟਕੀਏ ਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੇ, ਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਲਾ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ, ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਆਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ।
फिर नाल ही गल की भगत वछल तेह लोए जियो। तेह लोए मैंने तिना लोगों पूरे संसार दे विच ओ भगती नू प्यार करन वाला है, चेते रखना वह भगती नू प्यार करन वाला है। उन्हें यह नहीं वेखनी भी इहदी जात छोटी है, उन्हें यह नहीं वेखना कि यह अमीर ज्यादा है, उन्हें वेखना भी जो भगती करता है मैं उसदा वह मेरा है। धर्म समझ नहीं सकिया, अखौती धर्म, अपने आप को धर्मी कहलाने वाले समझ नहीं सके इस गल को। देखो भगत नामदेव जी नूं मंदिर तो चुक के बाहर कर दिता, कारो भगती रहे ने पर उन्होंने चुको चुके मंदिर तो बाहर कर दिता। पुछया भी मैनू क्यों कढ़िया जा रहा, कहन लगे तेरी तो जात छोटी है, तू तो भगती कर ही नहीं सकता, तैन तो रब मिल ही नहीं सकता। जेड़ा इस सिद्धांत नूं सामने रखता है मैनू कह लैन देना रब हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अज अफसोस नाल कहना पै रहा कई स्थानों का नाम गुरद्वारा रख के उत्थे बैठन वाले अपने नाल संत शब्द जोड़ के जो वह भी पंगता वख वख लवा देन भी जिन्हां दी जात छोटी है वह इधर बैठो, जिन्हां दी जात वड्डी है इधर बैठो, जिन्हां दी जात छोटी है उनके भांडे इधर रखे हुए ने। उन्होंने कोई धर्म की समझ नहीं है, अखौती धर्मी ने, भुलेखा है उन्होंने। क्यों? क्योंकि सतगुरु जी ते उसनू प्यार करते ने, उसनू सिमरते हैं जिहड़ा भगत वछल है, जिहड़ा भगती नू प्यार करता है, जो जात पात देख के किसी दे नाल अपना संबंध नहीं जोड़ता। धन गुरु अमरदास साहब जी इहदे उपाशक हैं। फिर कहन लगे गुर शब्द समावे, धन गुरु अमरदास साहब जी गुरु दे शब्द राही ऐसे प्रभु दे विच समा गए। किवें लीन होए? अगला प्रश्न है, पहला प्रश्न सी धन गुरु अमरदास साहब किहदे उपाशक है, अगला प्रश्न धन गुरु अमरदास साहब जी रब विच किवें लीन हो गए, उहदा जवाब है गुर शब्द समा गए, गुरु दे शब्द दे राही। फिर सानूं ढंग मिल गया ना, जिहड़ा रब विच लीन होना चाहुंदा है इको तरीका है गुरु दे शब्द नाल जुड़ जाए। धन गुरु अमरदास साहब जी शब्द दे राही ही लीन होए ने। देखो उन्हां दा इतिहास, बड़ी लंबी उम्र करम कांड कीते उन्होंने पर परम आनंद नहीं मिलिया। बीबी अमरो शब्द ही पढ़ रही सी ना, बीबी अमरो और सीखना चाहिए सानू भी, साढ़े घर शब्द ही नहीं है इस करके ना असी समा सके ना साढ़े बच्चे समा रहे। बीबी अमरो जी जिथे घर का काम कार करते हैं उत्ते शब्द भी पढ़ते हैं, शब्द की संभाल भी करते हैं, नाल दही रिड़क रहे ते नाल शब्द पढ़ रहे। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही, इसे शब्द को सुन के धन गुरु अमरदास साहब जी आ गए सन धीए अज मैनू वह प्राप्ति हुई जिदे वास्ते मैं भटकदा सा, कृपा कर होर सुना। तो बीबी अमरो जी नू जिनी बाणी आउंदी सी उन्होंने छैबर ला दिती उत्थे, इह शब्द ही है ना। गुरु अमरदास साहब जी नू गुरु अंगद साहब जी को लैके आया, भाई लहणा जी ने भाई जोत जी कोलों शब्द ही सुनिया ना, यह शब्द ही है ना जो धन गुरु नानक साहब जी को उन्होंने लैके आया, तो यही शब्द अकाल पुरख वाहिगुरु विच समाएगा, यही शब्द सानू अकाल पुरख वाहिगुरु दे विच लीन करवाएगा। मैं नहीं कहता, धन गुरु अमरदास साहब जी ने यही कुछ किया, ये बाणी कहती है गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोई जियो, ओ अकाल पुरख वाहिगुरु जी तो बिना उस वर्गा होर किसे नूं नहीं समझदे। धन गुरु अमरदास जी अकाल पुरख वाहिगुरु जी तो बिना उहदे वर्गा होर किसे नूं नहीं समझदे। ते असीं कहने आ वी धन गुरु अमरदास साहब तुसीं साडे गुरु हो, तुहाडा शब्द साडा गुरु है, गुरबाणी गुरु है, फिर किते असीं ते नहीं समझ बैठे किसे होर नूं। देखो कन रस लैके जावांगे ना
फिर साढ़े जीवन च तब्दीली नहीं आनी। सानू अपनियां घाटां आप ठीक करनियां पैणगियां। गलत रस्ते उत्ते तुरे जांदे कदम सानू आप रोकने पैणगे। अपने घरां विच खरीद के लियांदियां मूर्तियां सानू आप ही चुके बाहर करनियां पैणगियां। तां जे इस शब्द की महत्ता असीं समझे, शब्द की महत्ता समझांगे, तुसीं वेखो जितना भी ज्ञान है, जिन्ना भी ज्ञान है, जदों बच्चे नूं कुछ भी पता नहीं ना हुंदा उदों फिर उहदियां किताबां विच तस्वीरां हुंदियां, कैदे विच तस्वीरां हुंदियां, बच्चे नूं कुछ नहीं पता, पर उह तस्वीरां कादे वास्ते हुंदियां? इहनूं शब्द समझ आ सके। तस्वीरां इक कारण है शब्द समझाउण दा। जिवें जिवें क्लास अगे वधदी है तस्वीरां उड़ जांदियां है, कोई मूर्त नहीं होएगी, सिर्फ शब्द रहेगा उहदे विच। एम ए की किताब देखो, बी ए की किताब देखो, तुहानूं जो शब्द नज़र आउणगे। असीं दुनियावी विद्या विच गल समझ लई, असीं धर्म की दुनिया विच गल क्यों नहीं समझ रहे? गुरु के शब्द नूं अपने घर लैके जाइए, उहदे राहीं असीं रब विच समा पावांगे। और रब वर्गा होर दूजा कोई नहीं, अवर ना जाणै कोई जियो। धन गुरु अमरदास साहब जी किसी नूं रब वर्गा नहीं समझते। असीं रोज़ पढ़ते हाँ, गुण एहो होर ना ही कोए, ना को होआ ना को होए, ना कोई उहदे वर्गा होया ते ना कोई उहदे वर्गा हो सकता है। अवरो ना जाणै शब्द गुर कै। गुरु दे शब्द राही ਇਹ ਸਮਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਅਵਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਧਿਆ ਵਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ। ਪਰ ਆਹ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ अवरो ना जाने शब्द गुर कै, एक नाम त्यावहे प्रसाद नानक गुरु अंगद। देखो असी क्या ना, गुर प्रसाद गुरु की कृपा दे नाल मिलदा है, यही क्या ना, गुरु की कृपा दे नाल मिलदा है। हुण देखो गुरु की कृपा होई उन्होंने उत्ते, स्पष्ट है ना, प्रसाद, प्रसाद अर्थ है कृपा नाल। प्रसाद नानक गुरु अंगद, गुरु नानक साहब की कृपा नाल, गुरु अंगद साहब की कृपा दे नाल। हुण मन सवाल आ सकता है, जिस वेले गुरु अमरदास साहब जी आए गुरु अंगद साहब जी कोल, उस वेले ते गुरु नानक साहब जी है ही नहीं, ते किवें कृपा उन्हां दी बाणी, उन्हां दा शब्द, उहदी गल कीती जा रही है। जदों वो शब्द के खजाने नूं वेख्या, उन्हों अपने हिरदे विच प्रवेश किया, तो वह शब्द ही इन्हों रब दे कोल लैके चले गया। इस करके प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे, फिर यह परम पदवी जिहड़ी हैगी है वह प्राप्त हो गई। मालक रहमत करे, असी भी गुरु कोल बैठीए, असी भी गुरु कोल बैठीए। फिर कहिंदे एक घटना जो सब नाल घटदी है, वह गुरु अमरदास साहब जी दे उपर भी घटनी है। जदों बचपन हुंदा है उम्मीद हुंदी जवानी आएगी, जदों जवानी हुंदी है उम्मीद हुंदी है, हुंदा है उम्मीद हुंदी है कि बुढ़ापा आएगा, ते जदों बुढ़ापा आ गया फिर उस तो बाद फिर तो पता ही ना चलना ही है। जिस वेले शरीर जिहड़ा हैगा किसी ना किसी ऐसी हालत विच पहुँच गया तो कुछ अंदाजा तो लगता ही है, कुछ अंदाजा तो लगता ही है। हुण धन गुरु अमरदास साहब जी उन्होंने भी सद्दा आया, उन्होंने भी सद्दा आया। पर ध्यान देना, आया हकारा शब्द आया इत्थे, आया हकारा, हाक आई, सद्दा आया। केड़ा सद्दा भला? चलण हारा, चलण दा, इस संसार तो चलण दा।
ਇਹ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੱਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 99, 100 ਵਿੱਚੋਂ 100 ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਲਾਇਕ ਦੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੰਬਰ, 100 ਵਿੱਚੋਂ 0 ਨੰਬਰ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਦੇ ਸੱਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਸਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬੇਟਾ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਸਤਤ ਵਾਸਤੇ, ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਹ ਉਡਾਈ ਸੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ? ਝਿੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਨ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਡਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਦਾ ਸਤਿਕਾਰਮਈ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ, ਕਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਮੌਕਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦਿਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੱਜ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਸੱਦਾ ਆਏਗਾ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਸੱਦਾ ਆਏਗਾ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਕਾਰਾ ਚੱਲਣ ਹਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ, ਹਰੀ ਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੱਦਾ, ਜਗ ਅਮਰ ਅਟਲ ਅਤੋਲ ਠਾਕੁਰ। ਦੇਖੋ ਸੱਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ? ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ 'ਚ ਸਭ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਮਰ ਹੈ, ਅਟਲ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਇਨਸੰਹਾਰ ਹੈ, ਚਲਾਏ ਮਾਨ ਹੈ, ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਟਲ ਹੈ, ਅਤੋਲ, ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਕੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁੱਕਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਲਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਅਤੋਲ ਠਾਕੁਰ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ? ਭਗਤ ਤੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਭਗਤ ਤੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਭਗਤ ਤੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਭਗਤ ਤੇ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ,
ना कुत्तियां नूं रोटी पा के जां कीड़ियां नूं चीनी पा के जां मच्छियां नूं आटा पा के प्राप्त हो गया होवे, ना भगती तों प्राप्त होया। ते सानूं भी इदां ही प्राप्त होना है, पर भगती किवें करी दी है? भगती कहिंदे किहनूं है? सतगुर दे बचन ने कहिंदे इही आचार इही व्यवहारा आग्या मान भगत होए तुम्हारी। असी सारे भगती करना चाहुंदे आ, अस सामने पावन बचन लिखे ने, इहनूं समझ लईए। अज सानूं कई वार भगती करन दी जाच वी नहीं आई। इही आचार आचरण साडा, इही व्यवहारा आ काम करने है किहड़े? आग्या मान, आग्या मन के, गुरु की गल मन के। इधरों सुन के इधरों कढ़नी नहीं है। जिन्हें आग्या मान ली ना, आग्या मान, आग्या मान के भगत होए तुम्हारी, तेरी भगती होंदी है। धन गुरु अमरदास साहब ने आ किया। कितने तीर्थां ते जाके जो गुरु साहब कोल गए तो गुरु साहब कहने लगे भी तीर्थां ते जाण दा तो कोई लाभ ही नहीं, आ छड़े आग्या मान ली, आ कर्म कांड दे नाल रब मिलदा नहीं, आ छड़े असी छड़दे ही नहीं, असी आग्या मनदे नहीं, फिर भगती होंदी नहीं। पढ़ना भी है, सुनना भी है, गावी है, सुनीए, मन रखिए भाव, पर मन विच उहदे प्रति प्यार भी तो रखना है ना, ताही असी उहदे अनुसार जीवन बतीत करांगे। तो मेरे मालक ने इस तरह भगती की, यह भगती दे नाल अकाल पुरख वाहेगुरु जी नूं प्राप्त कर लिया। सो पहले पदे दे विच धन गुरु अमरदास साहब जी की शख्सियत जिहड़ी हैगी है उहदे बारे बाबा सुंदर जी ने सांझ पाई। गुरु साहब जी किस दे उपाशक सन, किवें उहदे विच लीन होए, उहनां नूं सद्दा किहो जिहा आया, उन्होंने किस ढंग दे नाल रब दे नाल सांझ पाई, ये सारी गल इस शब्द विच असी सांझी कीती है जी। आओ हुण इहदियां अगलियां विचारां सत्कारयोग प्रिंसीपल ज्ञानी हरभजन सिंह जी पासों सरवण करिए जी। सतगुरु जी की अपार कृपा का सत्कार। हर साल आप संगतां गुरदेव पिता जी के बख्शिश किए उद्यम का सत्कार, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश उत्सव बड़े उत्साह के नाल मनाते हो। इस संबंध में दसरा साहिबजादा जुझार सिंह गुरमत मिशनरी कॉलेज चौंता कलां रोपड़ के समूह सेवादारा वालों आप जी को मुबारकबाद दिता है। जिस सतगुरु जी का असी पहला प्रकाश उत्सव मना रहे हाँ, इस दे संपादक आपने पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव पातशाह जी, इस दे लिखारी ने गुरु अर्जुन के पिता जी के रिश्ते विचों मामा जी लगते ने, पर वो अपने आप को गुरु के सिख ही समझते, भाई साहब भाई गुरदास जी। गुरु साहब जी ने जदों गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन भीड़ की संपादना की, बाणी लिखवाई, तो बाणी नूं किस बाणी नूं किस थां ते थां देना है, ये भी सतगुरु गुरदेव पिता जी। तुसी वेखो रामकली राग विच जिस बाणी की आपां विचार आरंभ कीती है, इस तो पहला कहड़ी बाणी है? आनंद। वो बाणी किहदी है? गुरु अमरदास साहब जी दी। ते नाल ही आनंद दे जिहड़ी सदबाणी है, जिस दी आपां विचार करदे हां, जिवें दस्या जा रहा सी आप जी नूं, ए विचार गुरु अमरदास साहिब पिता जी दे ने, इन्हां नूं कलमबंद करन वाले बाबा सुंदर जी ने, जो गुरु अमरदास पिता जी दे पड़पोते लगदे ने। आनंद दे नाल ही सद नूं थां देणी, ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੱਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ।
मन विच किसी प्रकार का ये ना हो कि मैनू इन्नी जिंदगी होर मिल जाती, मैं आ कर लैंदा, मैं इंज कर लैंदा, नहीं, कोई पता नहीं। सो इसलिए सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी, क्योंकि इस बाणी की विशेषता इस करके भी है, बाकी तो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर मौत संबंधी बड़े शब्द ने, पांच गुरु साहबाना की, छे गुरु साहबाना की बाणी गुरु ग्रंथ साहब, 15 भगतों की, 11 पट साहबाना की, 3 गुरु घर के अनन सेवकों की। मौत के संबंध में एक नहीं अनेक शब्द तुसी पढ़ते हो, हालांकि जपजी साहब भी जोर ना जीवन मरण ना जोर, उत्थे जन्म ते मरण दोनों गल्लां कीतियां ने गुरु साहब जी ने, होर भी बाणियां ने, पर मौत के संबंध में विशेष तौर पर दो बाणियां ऐसा ने जिन्हां दा सिरलेख विशेष तौर पर मौत के नाल संबंध रखता है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਬਚਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਅੰਦਰ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ 5 ਛੰਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੱਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੱਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਟੇਕ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅੰਦਰ। ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਰੋ ਕੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਸਲਾ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਸੱਦ ਤੋਂ, ਪੰਡਿਤ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਵਜੋਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਿਰੰਦਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ ਜੱਗ ਧੰਦਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਬਈ ਉਹ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਸਾਂ, ਇਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਗੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ।
पर सतगुरां ने बाणी अंदर सब तो वड्डा जिहड़ा मौत दा कारण दस्सिया है वह है तुसी श्लोक संस्कृति पढ़ो गुरु अर्जन साहिब पातशाह जी का। वह कहिंदे ने सब तो वड्डी तेरी मौत दा कारण है जन्मं तां मरनं, जे तू जम्मिया तां तेरी मौत होई है, जे तू जमदा ना ते मरना भी नहीं सी। असी अपने घरां विच बच्चियां दी आमद वास्ते ना साडे घर विच बच्चे होण ग्रिस्तियां दे किवें तरले मिन्तां करदे ने साडे घर विच बच्चे दा जन्म होवे। तुसी आपां सारे ग्रिस्ती हाँ, सारे उच्च शामिल हाँ, भी औलाद चाहीदी है। गुरु साहिबाना वेले भी आके उस वेले लोग अरदासा करते रहे गुरु के दर तो। हालांकि धन गुरु अर्जुन साहब जी का शब्द है कांजड़ा राग विच, सतगुरु ने उत्थे आप भी पुत्र की दात मंगी है। मान मांगो तान मांगो धन लखमी सुत दे, इत्थे दे दा अर्थ किरिया नहीं है, दे मैनू दे है इत्थे दे अरोगता की दात, मैनू पुत्र भी चाहिए, मैनू दे अरोगता की दात भी चाहिए है, मैनू ताकत भी चाहिए है, मैनू मान सन्मान भी चाहिए है, मैनू माया भी चाहिए है, सारा कुछ मंगया है। पर पता भी है नाल ये भी पता है कि जिन्हें आना है उन्हें एक ना एक दिन इतों जाना भी जाना है। सो इसलिए धन गुरु गुरु अमरदास पातशाह जी की मैं जदों उम्र की गल करा संखेप मैं दसन लगा, 10 साल गुरु नानक साहब जी तो उम्र करके छोटे ने। 1469 गुरु नानक साहब जी, 1479 सतगुरु गुरु अमरदास पिता जी का प्रकाश हुंदा है। किथे? जिथे गुरु रामदास पिता जी का नानका पिंड है, पिंड बसर के। पिता जी का नाम तेज भाण जी, माता जी का नाम सुलखनी जी। तो टोटल सतगुरां की जिहड़ी शरीरक उम्र है वह बनती है 95 साल। इस 95 साल विच्चों 61 साल की उम्र सतगुरु ने बस इस तरह ही जिवें दस्या जा रहा सी तीर्थां ते कोई 21 वारी कहिंदा, कोई इस तो घट वारी, कोई वध वारी, किन्नी वारी सतगुरु गए ने। पर सतगुरु गुरदेव पिता जो गुरु अंगद साहब की शरण में आते हैं ना, तो जो गुरु बनते हैं उस तो बाद जो बाणी जोत आ जाती है इन्हों, उही जोत जो गुरु अंगद साहब सी, उही जोत जी गुरु नानक साहब सी। फिर सतगुरां ने अपनी जिंदगी का तजर्बा सारिया नाल सांझा किया। सतगुरां के बचन ने सतगुर बाजों गुर नहीं कोई, निगुरे का है नौ बुरा। एक अमर बोल कि ने धन गुरु गुरु अमरदास पातशाह जी दे। ते याद रखियो उस 61 साल 34 साल तुसी होर जोड़ लवो, जिदे 22 साल गुरियाई दे बंदे ने, ते लगभग 11.5-12 साल धन गुरु अमरदास पिता जी ने गुरु अंगद साहब जी की चरण शरण में रह के जो अणथक सेवा की, सेवा तो करते करते सन पर नाल जदों भी सतगुरु गुरु अंगद साहब जी तखत ते विराजमान होके जदों शब्द दी विचार करते सन, जदों भी उत्थे गुरु के कीर्तनियां कीर्तन करते सन, तां सतगुरु जी शब्द विच जिवें इत्थे पढ़े गुरु शब्द समावे। याद रखियो धन गुरु गुरु अमरदास पिता जी तो पहला जे गुरु अंगद साहब जी दे जीवन विच भी बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, ते ओ भाई जोध जी पासों गुरबाणी सरवण करके, जिमें गुरु अमरदास पिता जी अपने भतीजे नूं लगदे सन, बीबी अमरो जी गुरु अंगद साहब जी की सपुत्री भाई जसू जी नाल व्याहे हुए सन, उन्हां कोलों बाणी सुनदे ने। ते सतगुरु गुरदेव पिता जी जिहड़े 12 साल वह तो एज ए सिख, क्योंकि गुरु नानक साहब जी तो बाद गुरु नानक साहब जी धुरों ही वरोसाए हुए ने, जिमें भाई गुरदास जी कहते ने सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पठाया। गुरु नू नानक पातशाह नू गुरु बना के अकाल पुरख वाहगुरु ने धुर तो भेजिया, पर उन्हां तो बाद 10वीं पातशाही तक जिन्हें भी गुरु बने ने पहला वह गुरु पुत्र होण तां भी वह एज ए गुरसिख रहे, कोई किन्ने साल रहा कोई किन्ने साल रहा। तो गुरु
अमरदास जी जिवें गुरु अंगद साहब जी 7 साल रहे 1532 तो लैके 1539 तक, उस 7 सालों में कृपा के पात्र बन गए। धन गुरु गुरु अमरदास पातशाह जी ने 12 साल सिख रह के सिखी नूं चंगी तरह कमाया। ते वेखो गुरु अंगद साहब पिता जी ने जदों गुरियाई दी दात बख्शिश करनी सी उस वेले अपने पुत्रां नूं इग्नोर कर दिता, नज़रअंदाज कर दिता। क्यों किया याद रखना, चेते रखना, एवें नहीं किया। बाद विच गुरु रामदास पिता जी दे समय तो अगे पुत्रां नूं गुरियाई दी दात बख्शिश की जाती रही है ना। धन गुरु नानक साहब पिता जी ने भी, बाबा लखमीदास, बाबा श्री चंद, इन्हां दी थां ते भाई लहणा जी गुरु अंगद साहब जी बना दिते। इस तरह ही भाई गुरु अंगद साहब जी ने अपने पुत्र बाबा दातू ते बाबा दासू जी नूं छड़ के धन गुरु अमरदास पे, उन्हां नूं समझ गए कि ये जिहड़ी गुरियाई वाली जिम्मेवारी है ना, जे कोई निभा सकता है। उम्र किन्नी है? 72-73 साल की उम्र है, 73 साल। हुण 73 साल की उम्र में आप कहने गुरबाणी में कहती है सठी के बुढ़ेपा आवे, पर इत्थे 73 साल की उम्र में धन गुरु गुरु अमरदास पिता जी गुरता गद्दी ते बैठते ने। धन गुरु नानक पिता जी वालों उच्चारण किए हुए 19 रागों विचों, क्योंकि गुरु अंगद साहब के 63 श्लोक ने गुरु ग्रंथ साहब अंदर वक् वक् वारां विच, ते उन्हां रागों विचों 17 रागों में सतगुरु गुरु अमरदास पिता जी ने बाणी उच्चारण की। 73 साल की उम्र तो बाद जदों गुरु जोत विच आई है, फिर सतगुरु गुरदेव पिता जी ने 22 साल जिहड़ा है 95 साल की उम्र तक जाके फिर सतगुरु गुरदेव पिता ने जो समाजिक बुरियाइयां सन, आ जिहड़ी सती प्रथा सी, जदों कोई किसी बीबी का घरवाला चढ़ाई कर जांदा सी, ओह भावें चाहे भावें ना चाहे उन्हूं जिउंदी नूं ही उहदी चिखा दे नाल साड़ दिता जांदा सी, उन्हूं कोई नहीं पुछया जांदा। जे बीबी चढ़ाई कर जाए अदे उहदा अंगीठा भी ना भावे ठंडा होवे, मर्द भावें दूजा विआह भी करवा ले, उहदे वास्ते वख इधर वख। पर धन गुरु अमरदास पिता जी ने उही सिद्धांत जो गुरु नानक साहब ने सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मे राजान वाले, ते गुरु अंगद साहब पिता जी दे सिद्धांतां नूं होर दृढ़ता दे नाल अगे प्रचारिया। सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी जदों फिर ज्योति जोत समाउण लगे ने, उस वेले फिर ये जिहड़ी बाणी की रचना आम विद्वानां दा, सारे विद्वानां दा इक्को मत है, ऐसा मनते ने कि उस वेले सतगुरु गुरुदेव पिता ने वार्तक रूप में यह सारिया गल्लां कीतियां, ते बाद विच बाबा सुंदर जी ने इन्हां नूं काव्य रूप दिता। जिवें हुणे एक पेपर भी आया सी पुछ रहे सर बाणी दे वी रचनहार कौन ने, वह हसन कौन, वह दस्या जा चुका है। ते सतगुरु धन गुरु अमरदास पिता जी जिमें पहला दसिया, मेरे तो जगदाता सोई भगत वचल ते लोए जियो, गुर शब्द समावे अवर न जाने कोई जियो। गुरु अमरदास पिता जी एक तो बगैर होर किसी नूं जानते नहीं, पर एक दी बरकत सदका जिदी जिदा तुसी गुरपुरब मना रहे हो, जिदा पहला प्रकाश उत्सव मना रहे हो, श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरबाणी का सदका, शब्द की बरकत का सदका, यह सदका ही भट्ट साहबाना ने जिहड़े सवैये उच्चारण किए ने ना, पहला गुरु अर्जुन के पिता जी के 20 सवैये ने, फिर उस तो बाद गुरु नानक साहब की वडियाई 10 सवैये ने, फिर गुरु अंगद साहब की वडियाई 10 सवैये ने, फिर गुरु अमरदास पिता जी की वडियाई 22 सवैये ने। तो जदों उन्हां सवैयां विचों आपां जदों सवैये पढ़ते हाँ, तो एक सवैये भट्ट जालप जी ने धन गुरु अमरदास पिता जी नूं मुखातब हुंदिया होया, संबोधन हुंदिया होया, जो बचन आके कहिंदे ने तैं पढ़िया एक, गुरु अमरदास जी तू एक नूं पढ़िया बस, इक्को नूं ही। इहदा मतलब ये ना समझना
कि सतगुरु गुरदेव पिता ने होर कुछ नहीं पढ़िया। पहला सतगुरु गुरदेव पिता 61 साल की उम्र में वेद पुराण भी पढ़ते होंगे, सिमरतियां शास्त्रा भी पढ़ते होंगे, ता ही कर्मकांड करते सन। पर जदों शब्द गुरु के नाल जुड़ गए, तैं दा अर्थ है तू, ते असी सत्कार वजो तुसी, तैं पढ़िआ एक मन धरिओ एक कर एक पछाणिओ। कहिंदे ने मन विच भी ए नहीं जबान विच कुछ है ते मन विच कुछ होवे। ए चेता रखिओ, साडा मन साडी जबान ते साडा जिहड़ा तन, ये जिन्ना चिर एक सुर एक लय विच नहीं होणगे उन्ना चिर समझ लो जीवन दी जुगत वधिया नहीं हो सकती। तैं पढ़िओ एक मन धरिओ एक कर एक पछाणिओ। फिर कहिंदे ने नैन बैन मूह एक एक दूह ठाए ना जाणिओ। तुहाडियां अखां विच भी एक ही वसद है, तुहाडे बचनां तों भी जदों गल निकलदी है सब नूं कहिंदे हो एक नाल जुड़ो, मैं एक नाल जुड़िया होया वां, क्योंकि पहले जामे विच कह दिता सी साहिब मेरा एको है भाई एको है। नाले आपां शुरुआत ही एक ओंकार तों हुंदी है। फिर कहिंदे ने सुपन एक परतख एक। सतगुरु तुहानू सुपने भी एक दे आउंदे ने, जिवें आपां कहिंदे आ ते सुपने भी माया दे आउंदे ने, इहनूं ते सुपने भी इसे चीज़ दे आउंदे ने। जिस चीज़ विच बंदा लीन होएगा जो सोचदा है सुपने भी उही लएगा। सुपने विच भी तुहानू एक ही दिसदा है, परतख तौर ते भी तुहानू एक ही दिसदा है। इकस मैं लीनो तीस एक अर पंज सिद्ध पैंतीस ना खीणो। कहिंदे ने जिहड़े 30 दिन ने ना, 30 दिन महीने च लगभग 30 दिन ही आपां चलो कितें 31 भी आ जाते हैं, अपनी देसी मेहनत कितें 32 भी आ जाता है, पर आम 30 दिनों का महीना मनिया जाता है। कहिंदे ने एक एक महीने दे एक एक दिन विच भी तू ही दिन बनाए ने, कोई चंगा नहीं कोई माड़ा नहीं, सारे तेरे बनाए हुए ने। तेनू उन्हां सारे महीनों में कोई भावें महीना जिहड़ा मर्जी होवे, भावें गर्मियां का होवे, भावें बसंत होवे, भावें पतझड़ होवे, भावें सर्दी की रुत होवे, जिहड़ा मर्जी होवे। तीस एक अर पंज, तू पंजां तत्तां तों सृष्टि बनाई, तेरे पंजां तत्तां विचों भी परमात्मा गुरु अमरदास जी नूं ओह इक्को ही तुसीं नज़र आउंदे हो। तीस एक अर पंज सिद्ध, सिद्ध मैंने प्रतख तौर पर प्रगट तौर पर। पैंतीस मैंने वेखो किन्नी कमाल की गल है, पंजाबी की वर्णमाला 35 अक्षर ने, ते गुरु ग्रंथ साहिब विच बाणी भी जड़े जिन्हां दी है उन्हां दी गिनती भी 35 है। 35 महापुरशां की बाणी ते 35 साढ़े अक्षर ने, भावें 6 अक्षर बाद विच जिहड़े बिंदी ला के उच्चारण किए जाते हैं वह बाद विच होंदे चाहे उन्होंने मिला के फिर 41 बन जाते हैं, वैसे 35 ने अड़ाड़े तक। 35 ना खीणो, कहिंदे ने ना खीणो मैंने तू कदी खीण होने वाला नहीं, नाश होने वाला नहीं, कमजोर होने वाला नहीं। फिर 1,00,000 कहिंदे ने एक तो अलख जीव होंद विच आ गए, पढ़दे हो ना कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ। परमात्मा एक तो ही परमात्मा, इसे एक तो गुरु अमरदास पिता जी नूं सारे इसे करके सारे में एक दी जोत दिसदी उन्हां नूं। 1,00,000 लखों अलख है, पर कहिंदे ने इन्हां लखां तों एक परमात्मा बारे कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता, इन्हां वास्ते अलख है। धन गुरु गुरु अमरदास पातशाह जी एक करते अकाल पुरख वाहगुरु नाल जुड़े हुए ने। तो याद रखियो मैं जो पहला गल की सी, जेड़ी उम्र असी गुरु तो बगैर बतीत करते हाँ वो समझ लवो साड़ी उम्र जेड़ी है अजाई जा रही है। इसलिए जिस सतगुरु गुरुदेव पिता जी का पहला प्रकाश उत्सव अगे अक्तूबर च गुरदा गद्दी नशीनी, इस सतगुरु जी का आपां ने मनाना है, तो इस गुरु दे आपां लड़ क्यों नहीं लगते। जन्म ओही सफल है साई घड़ी सुलखनी शाह नाल विहावै, उम्र ओही है। बाकी 61 साल की उम्र तो गुरु अमरदास जी अपनी उम्र नूं गिंदे कुछ ना, बस 34 साल ही जिहड़े होए ने यही सफल ने।
किसी बुजुर्ग नू किसी नौजवान ने पूछा बापू जी तुहाडी उम्र किन्नी है। बापू की उम्र भी 70-75 साल होगी। वह कहिंदा मेरी उम्र बेटा 40 साल की है। वह जिहड़ा नौजवान सी वह भी अमृतधारी सी, बापू भी अमृतधारी सी, कृपा उपरों पाई हुई। वेख के हसन लग गया, कहिंदा वाह बापू अमृत छक के कृपान पा के झूठ बोलदे हो तुसी। वह कहिंदा बेटा हाँ हो सकता तेरी निगाह विच मैं झूठ बोलता होवां, पर जेड़े मैं 40 साल अपने बतीत किए ने वह किसे कम दे नहीं, वह तो मैं किहड़ा कुकर्म है जिहड़ा ना किया होवे। जिस दिन का गुरु दे लड़ लगा हाँ उस दिन तो मेरा जन्म मैं अपना सफल मनदा, बाकी उम्र नूं मैं गिनदा ही नहीं जिहड़ी एवें लंघ गई वह उम्र किहड़े कम। ता ही भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी उम्र नूं सफल करन वास्ते जो सानू जुगत समझाई है ना, चिरंकाल मानस जन्म निर्मोल पाए सफल जन्म गुर चरण शरण कै। जे जन्म नूं सफल करना है तो सतगुर गुरदेव पिता जी चरण शरण में आना पवेगा, गुरु नूं अपना तो आप गुरु वाले बनना पवेगा। फिर तुहाडे शरीर का एक एक अंग जिहड़ा है लोचन अमोल गुरदर्श अमोल देखे, तुहाडियां अखां भी अमुल हो जाणगियां जदों अमुल गुण अमुल व्यापार पढ़ोगे तो आप ही अमुल हो गई ना। अमुल गुरु दे साडा गुर गुरु अमुल है, परमात्मा भी अमुल है, हुणे पढ़िया सी ना अमोल। लोचन अमोल गुरदर्श अमोल देखे, श्रवण अमोल गुरबचन धरन कै। जिन्हां ने गुरु दे बचन अपने कन्नां राही सुन के हिरदे में टका लै उह श्रवण भी अमोल हो गए। नासका अमोल चरनार बिंद बाशना कै, रसना अमोल गुरमंत्र उचरन कै। जेड़ी रसना जेड़ी जिहबा गुरबाणी गुरमंत्र मूल मंत्र गुरबाणी का पाठ करती है वाहगुरु का सिमरन करती है वह भी अमोल हो जाती है। तो खीरते भाई साहब जी कहते हैं हस्त अमोल गुरदेव सेव सफल कै, चरण अमोल प्रदक्षिणा करन कै। जे तुसी हत्थां नूं अमुल करना चाहुंदे हो ते इन्हां हत्थां नाल आके इत्थे सेवा करिया करो, तुहाडे भी हत्थ अमुल हो जाणगे। जे तुसी अपने चरणां नूं अमुल करना चाहुंदे हो तुहाडे चरण अमुल हो सकदे ने, पर तां जे तुसी घर तों आके इत्थे आके अपने गुरु दी परिक्रमा करदे हो इत्थे बह जांदे हो टिक के बड़े गुरु दे बचनां नूं बड़े ध्यान नाल सुणदे हो ते सतगुरु गुरु अमरदास पिता जी दे जीवन अंदर बदला आया ते शब्द सुन के आया। आज दे साड़ा तुहाडे जीवन में भी बदला आ सकता है ते गुरु के प्यार वाले गुरु अमरदास दा के बचन है माया मोह मेरे प्रभ कीना आपे भरम भुलाए, मनमुख कर्म करें नहीं बूझें बिरथा जन्म गवाए। गुरबाणी इस जग में चानन कर्म वसै मन आए। कहिंदे ने गुरबाणी है चानण है, पर जिन्ना चिर ओदी बख्शिश दे पात्र नहीं बनोगे उन्ना चिर हनेरे विच ठोकरां खांदे रहोगे। गुरु अमरदास जी ने कहिंदा जिन्ना मैं भी खांदा रहा हनेरे विच ठोकरां, इसलिए आओ वडभागे बनीए ऐसे सतगुरु गुरु शब्द जिसका आपां पहला प्रकाश उत्सव मना रहे हाँ। इस बाणी नूं पढ़िए विचारीए ते अपने जीवन अंदर वसाईए। हुण असी विचार कर लई है जितना समा बख्शिश कीता सी, हुण ये जो एक दो मिनट ने ये हुण अपने नाल गल करिए भी शब्द दे विचार ते आपां सांझी कीती, हुण इस अनुसार मैं की करां। आप जी ने हुणे वेख्या भी एक दी गल धन गुरु अमरदास साहब जी के बारे भी तू इको पढ़िया मन में एकनों ही धरिया, सारे महीनों भी तू एकनों ही वेख्या, सारे पंजा तत्तों भी तू एकनों वेख्या, तू एक तो इलावा किसी होर वेख्या नहीं, होर किसी नाल जुड़िया नहीं। तो अज फिर असी भी प्रण करिए दद्दा दाता एक है, एक है सारे जपो जी दद्दा दाता एक, एक है। असी एक नूं ही दाता समझिए ते नाल कह दईए होरां नूं भी तुहानूं भी चाहीदा उत्थों ही मिलना है सब को देवनहार, सब को देवनहार,
सब कौ देवनहार, सब कौ देवनहार। असी हुण एक दे नाल जुड़ जाइए ताई लाभ है। फिर दूसरी गल जो ये शब्द विच साडे सामने आई, लीन किवें होना उस एक विच, गुरु शब्द राही किहदे राही, सारे कृपा करो किहदे राही, गुरु शब्द राही, गुरु शब्द राही। एक सवाल करां आप जी सामने, जिन्हां दे घर बाल बच्चे हैगे ने, 20 सालां दा है, 15 सालां दा है, 10 सालां दा है, स्कूल भेजिया है ना स्कूल, ओनू हिसाब सिखाया, साइंस सिखाई, उसनू वख वख भाषावां दा ज्ञान दवाया, उसनू संथिया दवाई, नितनेम जी संथिया दवाई, किवें समाएगा साडा बच्चा रब विच, कोई शब्द विच समाना है, शब्द राही समाउणा है। जे असी होर कम्मां वास्ते अपनी जिम्मेवारी समझी है, निभाई भी है, ये भी निभाई नितनेम दी संथा अपने बच्चियां नूं दवाओ भाई साहब जी पासों, उस तो बाद चोड़ियां बाणियां दी संथा दवाओ। इत्थे ते काफ़ी बारी ऐसे समागम रचे गए, सहज पाठ संगति रूप च कीता गया, अपने बच्चियां नूं लाजमी करो च लैके आउणा, दुबारा शुरू करो जे बंद हो गया ते। क्यों कोई पुछे क्यों, असीं चाहुंदे हां साडा पुत साडी धी असीं समाज आईए, जिस वास्ते जन्म मिलिया ते पता लग्गिया गुरु दे शब्द राही समाया जा सकदा, असीं शब्द नाल जुड़न लगे हाँ। फिर ये तैयारी करिए भी सानू भी सद्दा आना है, सानू काम का सद्दा आ रहा, लोभ का सद्दा आ रहा, मोह का सद्दा आ रहा, हंकार का सद्दा आ रहा, पता नहीं कैसे कैसे सद्दे सानू आ रहे, सानू राम का सद्दा आ जाए, सानू करतार का सद्दा आवे, सानू रब आवाज मारे। असी कहने रब्बा बहुत याद आ रहे हैं, रब कवे अज तू बड़ा याद आ रहे हैं, किवें होएगा जदों गुरु ये शब्द राही अपना जीवन सवार लवांगे। सानू भुख लगती है ना, रब नू भी लगती है, कादी गोविंद भगत भाव दा भुखा। जे साडे च भगती भाव होएगी वह दौड़ के आएगा, रब नाल गल्लां करिए असी किवें होणगियां, भाख्या भाओ, भाव दा अर्थ है प्रेम, जदों साडे अंदर प्रेम होएगा उहदा, उह भी साडे नाल गल करन वास्ते आएगा, सद्दा उहदा आएगा, भाव अकाल पुरख वाहिगुरु दे गुण साडे विच आउणगे, असी शाबाश दे हकदार होवांगे, फिर नाल ही भगती करनी है असी। ते भगती किवें करनी है, ये बचन असी चंगे तरीके नाल पहला पढ़ भी बैठे हाँ, समझ भी बैठे हाँ, किवें भगतों की होएगी आग्या मान, भगत होए तुम्हारी, तेरी आग्या मन के ही तेरी भगती हो सकती है, जो ये मंत्र कमावे नानक, जेड़ा ये उपदेश कमा लवेगा, सो पौजल पार उतारी, सो पौजल पार उतारी, सो पौजल पार उतारी, सो पौजल पार उतारी। मालक रहमत करे, असी गुरु दे हुक्मां नूं मन्निए, अपना जीवन सफला करिए, समा समाप्त है, होईयां अनेक भुलां लई दास खेवां दे जाचक हन, फतेह प्रवान करो जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।